छिंदवाड़ा सहित जिले के सभी तहसीलों में पोला उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, जहां कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले साधनों में भगवान शिव के वाहन नंदी के रूप बैलों को सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए किसानों द्वारा बैलों का त्योहार पोला पर्व मनाने की प्रथा है। छिंदवाड़ा जिले में भी परंपरा अनुसार इस दिन बैलों को नहलाकर विभिन्न रंग रोगन कर वेशभूषा पहनाकर तैयार किया जाता है। ग्रामीण में सभी किसान अपनी अपनी बैल जोड़ी को लेकर एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा होते हैं, जहां ग्राम कोठारों द्वारा कांस से निर्मित तोरण ऊंचे खंभों पर बांधी जाती है, जिसके नीचे बैलों को कतारबद्ध तरीके से खड़ा किया जाता है। सभी किसान इस दौरान जोर जोर से पियाला भीरा खट खिला ले जा रही नागोट, जो कोई मेरे बैल की चुगली करे उसको खा जा भैंसा सोर के नारे लगाते हैं। ग्राम के प्रबुद्ध वर्ग के नागरिकों की समिति एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा साज सज्जा रंगोगन बैलों की सदकाठी में श्रेष्ठता के आधार पर जोड़ियों का चयन कर उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात तोरण तोड़कर लूटी जाती है। लूटी गई तोरण के छोटे छोटे टुकड़े किसान अपने घर में अनाज भंडारण के साथ अपने द्वार पर लगाते हैं। ऐसा मानना है कि इससे वर्ष भर घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और भंडार भरा रहता है। फिर सभी किसान अपनी अपनी बैल जोड़ियों को अपने घरों में ले जाकर जल से उनके पैर पखार कर उनकी आरती उतार कर पूजन करते हैं, तथा पोले के दिन अन्य पकवानों के साथ विशेष रूप से बनाया जाने वाला पकवान सेव खुरमा तथा गुजिया उन्हें खिलाते हैं, तथा बैलों की सेवा करने वाले चरवाहों को भी पुरस्कार देकर भोजन कराया जाता है। जिन किसानों के घर बैल नहीं होते, वे मिट्टी से बने बैलों की पूजा करते हैं। देखते रहे CTN लाइव चैनल, हमेशा समाचार के साथ। पुरानी परंपराओं का निर्वाह करते हुए आज हमारे नगर उमरेट में पोला पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस पोला पर्व के जो मनाने की जो परंपरा है, यह वर्षों पुरानी नगर की रही है। पोला पर्व पर सभी कृषक बंधु अपने बैलों को सजाकर यहां पर एकत्रित होते हैं, तथा सामूहिक रूप से खंडेरा बाबा की यहाँ पूजन अर्चन के पश्चात यहाँ पर तोरण तोड़ी जाती है। और इस गांव की परंपरा के अनुकूल यहाँ पर सभी कृषक जो है यहाँ का जल ले जाकर के और ये तोरण को ले जाकर के अपने घर में सुरक्षित रखते हैं। कई लोग उनका पैर पखारते हैं। यह हमारी गांव की परंपरा रही है। जो कई वर्षों से मनाया जा रहा है हमारे यहाँ पे पोला उत्सव, पूरे मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक में छिंदवाड़ा जिला, जहाँ पे बेल जोड़ी की पूजा करके यहाँ त्यौहार बड़े ही उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाता है और पूरा छिंदवाड़ा जिला इस कार्यक्रम में भाग लेता है। आइए इस कार्यक्रम के संयोजक से हम बात करते हैं, वो इस विषय में क्या कहते हैं। पोला का पर्व जो है वो हमारा परंपरागत और पौराणिक त्यौहार है, और हम जिस स्थान पे अभी खड़े हैं और जिस स्थान पे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसका नाम पुरातन काल से पोला ग्राउंड है। मतलब हमको इस नाम से ही यह एहसास होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, कई पीढ़ियों पहले इसका नामकरण पोला ग्राउंड इसलिए किया गया क्योंकि पोले का मेला यहाँ पे भरता है। लेकिन अभी पिछले
कुछ 8-10 वर्षों पूर्व ये मेला धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था, और इसके लिए जो इस पोले के पर्व पर जो बाजार लगता है बरारीपुरा क्षेत्र में, वो भी समाप्त होता जा रहा था, जिसको ध्यान में रख के और स्थानीय क्षेत्रीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, और विगत 8 वर्षों से यह समिति इस पोला पर्व की व्यवस्थाओं को देखने का काम कर रही है। और हमारे इसमें चल समारोह अभी निकला है, उसमें हमारी आदिवासी बंधुओं की टोली, बहनों की टोली, नत्र टोली, और सिवनी से अखाड़ा बुलाया गया वो है व्यायामशाला, उसके अलावा हमारी गुड़ी जो परंपरागत रूप से हमारे बुजुर्गों के द्वारा निकाली जा रही है कपाले परिवार के द्वारा, उसकी उसको लेके यहाँ पर पहुँचने का काम बुजुर्ग हमारे करते हैं, और हम सब यहाँ पे गुड़ी पूजन के पश्चात और बैल जोड़ियों की पूजा करेंगे, बैल तोरण तोड़ेंगे, और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ जो बैल जोड़ी है, अच्छी हस्त पुष्ट बैल जोड़ी है, अच्छी साज सज्जा वाली बैल जोड़ी है, उनको पुरस्कृत करने का काम विगत 8 वर्षों से समिति कर रही है, जो इस वर्ष भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।